गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी कंटिन्यू आवर चैप्टर प्रोबेबिलिटी एंड सम क्वेश्चन अबाउट प्रोबेबिलिटी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आर चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी एंड एडिशनल क्वेश्चन वन क्वेश्चन इज कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे और एनी डे, संडे हो चाहे कोई सा हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे और एनी संडे एनी डे इन अ नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है 53 संडेज की नॉन लीप ईयर में। नॉन लीप ईयर में 53 संडे कितने आएंगे ये आपको 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे भाई, नॉन लीप ईयर में डेज कितने होते हैं, डेज इन नॉन लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर में डे आपके कितने होंगे 365 डेज होंगे नॉन लीप ईयर में, ठीक है। संडे कितने होंगे, अब ईयर में जितने वीक उतने संडे, मतलब जितने वीक्स होंगे उतने ही संडे होंगे, उतने ही मंडे होंगे, जितने वीक होंगे, ठीक है। तो जो आपकी संडे की प्रॉपर्टी निकालो, संडे वो होंगे देखो कितने, 365 अपॉन 7 कर दो, 7 डेज का वीक होता है, तो 1 वीक में 1 संडे, 2 वीक में 2 संडे, 3 वीक में 3 संडे, सिमिलरली 1 वीक में 1 मंडे, 2 वीक में 2 मंडे। तो किसी भी डे की आपको प्रॉबर्टी निकालनी है, अपने ईयर टोटल डेज लिखे इसमें टोटल, कि नॉन लीप ईयर में डेज कितने होते हैं 365, संडे निकाल रहे हम 365 अपॉन 7, तो इसको करते हैं 75 का 35 रिमेनिंग 115, 7 टू द 14 एंड वन डे, तो वो 52 से कंप्लीट डिवाइड हो गया, 1 बच गया, तो 52 वीक होंगे, 1 डे होगा, और 52 वीक में 52 संडे तो कंफर्म हो गए, जितने वीक उतने संडे तो होंगे ही होंगे, तो 52 संडे आपके हो चुके हैं, ठीक है। आपके टोटल वीक आएंगे 52 वीक 365 डेज में, 52 वीक्स हैं मतलब 52 वीक्स में आपका 52 संडे होगा, या फिर मंडे होगा, कोई सा भी डे होगा 52 होगा, एक दिन बचेगा। अब उस डे में क्या पता संडे हो, मे बी मंडे हो, मे बी ट्यूसडे हो, कोई सा भी डे हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये जो वन डे होगा आपका, वन डे, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो वन डे होगा, ये वन डे क्या होगा, देखो ये हो सकता है आपका संडे, जरूरी नहीं है संडे हो, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, ये आपका थर्सडे हो सकता है, ये आपका फ्राइडे हो सकता है, आपका ये सैटरडे हो सकता है आपका ये, ठीक है। संडे हो चुका है तो मतलब ये 7 डेज हो सकते हैं इस रिमेनिंग वन डे में, ठीक है। अब हमें चाहिए ये रिमेनिंग, देखो 52 संडे तो हो चुके हैं, पर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए 53 संडे की, ठीक है। 52 हो चुके हैं, एक दिन बचा, इस दिन संडे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है बस, 52 तो फिक्स होंगे ही होंगे, ये वन डे संडे हो जाए आपका, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो देखो टोटल डेज कितने बचे, 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे, ठीक है। अब इसमें से हम बात करेंगे, इसमें से ये है हमारे साथ कंडीशन, टोटल कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। इसमें संडे कितना है, 1, मतलब हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है, 1, एक ही संडे आ रहा है 7 डेज में, टोटल डेज कितने हैं ये 7, तो 1/7। आपको इसमें से नहीं देखना टोटल 365 डेज नहीं बचे, 365 डेज थे उसमें 52 संडे हो चुके हैं, बात आती है इस वन डे की, ये डे कौन सा है, ठीक है। तो ये डे इनमें से कोई एक होगा 7 डेज में से, इन 7 डेज में से सिर्फ वन डे है जो संडे होगा, एक दिन है संडे होगा, तो 1 और टोटल कितने 7, 1/7, ठीक है, क्लियर। ये होता है नॉन लीप ईयर का, यही क्वेश्चन लीप ईयर का बन के आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन सेम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे और एनी डे
फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे और एनी डे ब्लड हो रहा आई थिंक वीडियो फॉर द संडे और एनी डे इन अ लीप ईयर. तो वो लीप ईयर की बात कर रहा है. एक मिनट. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 आया है यहाँ पे 53 संडे और एनी डे इन अ लीप ईयर. तो लीप ईयर तो आपको पता है लीप ईयर सॉल्यूशन. लीप ईयर के डेज आपको पता है कितने होते हैं. लीप ईयर डेज इन लीप ईयर. लीप ईयर होगा आपका सबको पता है लीप ईयर के बारे में 366 डेज होंगे. ठीक है अब 366 डेज होंगे इसमें संडे हम देखते हैं कितने होंगे संडे. ठीक है तो 366 डेज. ठीक है एक वीक में वन संडे तो वन वीक में सेवन डेज. तो सेवन डेज से मैं डिवाइड करूँगा. डिवाइड करोगे आप तो हो जाएगा 52 वीक्स एंड ये 52 वीक है. ठीक है इधर भी 52 वीक्स एंड टू डेज डिवाइड करोगे टू डेज आ जाएंगे यहाँ पे 52 वीक एंड टू डेज. और 52 वीक में 52 संडे होंगे बट ये टू डेज ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. इन टू डेज में कितने संडे बात ये 52 तो संडे 100% होंगे. ठीक है 53 चाहिए पर मुझे 53 के लिए ये टू डेज पे डिपेंड करेगी सारी सिचुएशन. अब इन टू डेज में देखिए डेज क्या क्या हो सकते हैं. जो टू डेज हैं आपके वो क्या हो क्या देखिए ऐसे होंगे ये संडे एंड मंडे हो सकता है. टू डेज संडे हो और मंडे हो दूसरा दिन. या फिर ये हो सकता है मंडे हो और ट्यूसडे हो. ठीक है या फिर ट्यूसडे हो वेडनेसडे हो. या फिर ये हो सकता है वेडनेसडे हो और थर्सडे हो. या फिर ये होगा थर्सडे है और फ्राइडे हो. या फिर ये हो सकता है फ्राइडे और सैटरडे. और लास्ट हो सकता है सैटरडे और संडे. तो ये आपके इन टू डेज में पॉसिबिलिटी है. टू डेज ऐसे होंगे या तो संडे मंडे होंगे मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे सैटरडे संडे. अब इन डेज में से ये टोटल कितने हैं सेवन पेयर है ना ये सेवन पेयर हो गए. अच्छा तो अब जो प्रॉबर्टी फाइंड करनी है संडे की वो देखो संडे कितने आ रहे हैं इसमें मैं देख लेता हूँ. एक संडे इधर आ रहा है संडे मंडे एक सैटरडे संडे दो संडे आ गए टू. टोटल कितने हैं पेयर सेवन. टू पेयर में संडे हैं टोटल पेयर हैं सेवन टू अपॉन सेवन. तो प्रॉबिलिटी इन अ लीप ईयर हो गया आपका टू अपॉन सेवन. ये तो है प्रॉबिलिटी की बात इसमें. ठीक है दूसरा आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं. जैसे क्वेश्चन ये आया था अभी आपके 11th क्वेश्चन था अभी एग्जाम में आया जो बोर्ड में. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज श्योर टू हैपन इज मतलब 100% हो रही है श्योर टू हैपन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. वन होगी प्रोबेबिलिटी इज वन. श्योर इवेंट इज वन. इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो. तो 100% है श्योर टू हैपन 100% होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वन. ये क्वेश्चन आया था आपका 1 marks का. और आपके क्वेश्चन आया था एक प्रोबेबिलिटी का ये आया था आपका 3 marks का. एक क्वेश्चन था इधर रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द एंड. दिवाली फेयर अ गेम इन अ बोथ एट दिवाली फेयर इन्वॉल्व यूजिंग अ स्पिनर फर्स्ट देन इफ द स्पिनर स्टॉप एन इवन नंबर द प्लेयर इज अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम अ बैग. इवन नंबर आया स्पिनर को फिर आने पर ये वाला जो है ये इवन नंबर पर आया. ठीक है तो उसे इस बैग में से एक मार्बल निकालने का मार्बल निकाल सकता है वो. ठीक है द स्पिन और अगर ऑड आया तो नहीं निकालेगा सिर्फ इवन आया तो ही इसमें से एक मार्बल निकालेगा वो. एंड द स्पिनर एंड द मार्बल इन द बैग आर रिप्रेजेंट इन फिगर 8. प्राइज आर गिवन व्हेन अ ब्लैक मार्बल इज पिक्ड विद द प्लेयर द गेम वंस. बोल रहा है प्राइज तब मिलेगा पहली बार तो इवन नंबर आए. दूसरा केस ये है कि इसमें से फिर वो इवन नंबर आने बॉल उठाएगा और वो बॉल या फिर मार्बल ब्लैक कलर का हो तब तो प्राइज मिलेगा. वाइट आ गया तो नहीं है प्राइज. ये ब्लैक आया इनमें से कोई तो ही आपका प्राइज है. ठीक है अब यार एक चीज़ क्वेश्चन ये है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बी अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग. बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए कि शी विल अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग. क्योंकि इसको इस बैग में से मार्बल निकालने की अलाउ कर दें इसको तो मार्बल तभी निकाल सकती है तब यहाँ से क्या आ जाए इवन नंबर पर रुके स्पिनर. इवन नंबर कितने हैं देखो 4, 10, 8, 6, 2 सारे इवन है. फिर वन ही तो ऑड है कितने इवन है 1, 2, 3, 4, 5 फाइव इवन नंबर हैं तो 5 टोटल कितने नंबर है ये 6, 5 upon 6. ठीक है दूसरा क्वेश्चन ये था सपोज सी अलाउड टू पिक अ मार्बल.
उन्हें बोल दिया कि उसको अलाउ कर दिया है मार्बल निकालने फ्रॉम द बैग. व्हाट इज़ द प्रॉबर्टी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, बोल रहा है अब बताओ प्राइज निकालने की प्रॉबर्टी क्या है. वैन पहली बात प्राइज निकालने की प्रॉबर्टी है. दूसरा वैन इट इज़ गिवन दैट द बैग कंटेन 20 बॉल्स एंड विच 6 आर ब्लैक. 20 बॉल हैं और 6 ब्लैक है तो बताना है आपको प्राइज निकालने की. ठीक है तो यार हमको तो प्राइज तभी मिलेगा तब ब्लैक आए. ब्लैक कितनी है इसमें 6 बॉल. टोटल बॉल कितनी है गिवन है 20 बॉल्स हैं टोटल 6/20 दिस इज 3/10. ये क्वेश्चन आया था आपका 3 मार्क्स का इस बार प्रोबेबिलिटी में. ठीक है तो ये दो चीज़ आई थी आपकी मैंने जो आपके पेपर में आया था इस बार बोर्ड के एग्जाम में सेट वन में है ये क्वेश्चन. आप देख लीजिएगा मैंने वीडियो बना दिया है आप उनको नोट भी कर लीजिएगा वीडियो में आराम से स्टॉप करके पॉज करके. ठीक है तो ये क्वेश्चन था. अब हम बात करते हैं प्लेइंग कार्ड की. हम बात कर रहे थे प्लेइंग कार्ड्स जो हमारे 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनकी हम कुछ बात कर रहे थे. उसमें देखिए क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ प्लेइंग कार्ड्स में. क्वेश्चन ऐसे कि फ्रॉम वेल शफर्ड मतलब अच्छी तरह मिला लेना पत्तों को. फ्रॉम वेल शफर्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स. अच्छा वो हमारे कार्ड तभी होंगे जो 52 लिखा हो तभी वाले प्लेइंग कार्ड हैं ये. फ्रॉम वेल शफर्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एस क्या होता है इक्का जो आपको होता है ना वो होता है एस इक्का एस होता है. तो रेड एस फाइंड आपका आना चाहिए उसकी प्रॉपर्टी बतानी प्लेइंग कार्ड्स में. तो देखो भाई टोटल कार्ड कितने हैं भाई टोटल 52 कार्ड्स हैं. टोटल कार्ड्स आर 52. प्लेइंग कार्ड कितने हैं फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इसमें. देखो रेड एस हमारा फेवरेबल है रेड एस. ठीक है अब रेड एस कितने होते हैं भाई टोटल 4 टाइप के कार्ड होते हैं 2 ब्लैक होते हैं 2 रेड होते हैं. ठीक है 2 रेड में 2 एस होंगे हर में एस होता है ब्लैक में भी एस होता है रेड में भी 4 टाइप के कार्ड होते हैं टोटल सब में एक एक एस होता है एक एक किंग होता है एक एक क्वीन होता है एक एक जैक होता है एस मतलब इक्का. ठीक है सब में होता है. अच्छा अब रेड एस चाहिए रेड एस कितने हो गए टोटल 2 हो गए ना रेड एस भाई सब में एक एक होते हैं और रेड कलर के 2 पार्ट हैं. हाँ 2 तरह के कार्ड होते हैं रेड कलर के 2 ब्लैक के होते हैं मतलब 13 52 हो गए 26 ब्लैक होते हैं 26 रेड. अब उन 26 रेड में से 2 होंगे आपके एस. ठीक है तो एस हो गए 2. अब मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए रेड एस की तो रेड एस टोटल 2 हो गए रेड कलर के 2 एस होंगे 2 ब्लैक कलर के होंगे. अच्छा रेड एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/52 1/26. ठीक है ये आपका प्लेइंग कार्ड का था. बाकी मैंने आपको प्लेइंग कार्ड के क्वेश्चन करा दिए हैं. ठीक है उसकी शायद मैं पीडीएफ नहीं डाल पाया था प्लेस की कार्ड वाली ये मैं आपको डाल दूंगा. अच्छा इसके बाद देखिए आज हम शुरू करेंगे हमारा न्यू चैप्टर दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. देखिए बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ते हैं. ठीक है हम पढ़ते हैं मीन मोड और मीडियन ये 3 चीज़ पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में. और ये मीन मोड मीडियन क्या है कुछ भी नहीं है. मीन मोड मीडियन आर सिंपली एवरेज कि हम एवरेज फाइंड करें उसके ये टाइप्स हैं मीन मोड और मीडियन 3 टाइप से हम एवरेज फाइंड करते हैं. मीन डेटा इनकरप्ट हो मोड मीडियन 9th क्लास में हमने पढ़ा था जो आपके अनपेयर्ड डेटा थे. ठीक है जिसमें क्लास इंटरवल नहीं था लेकिन जिनमें पेयर नहीं था. ठीक है जिसमें क्लास हाइट नहीं थी उनके लिए हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी. तब हमारा मीन होता था वो अनग्रुप डेटा की बात कर रहा हूँ मैं पहले 9th क्लास का रिकॉल कर रहा हूँ. अनग्रुप डेटा में मीन हम कैसे फाइंड करते थे कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये हम मीन फाइंड करते थे अनग्रुप डेटा के लिए. मॉड हम कैसे फाइंड करते थे मॉड
ठीक है, मॉड हम फाइंड करते थे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो हो गया मॉड। ये क्वेश्चन भी करा दूंगा, वो हो गया आपका मॉड। मीडियन कैसे फाइंड करते थे, मीडियन, ठीक है, मीडियन कैसे करते थे, देखो पहले तो आप क्या करते थे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे डेटा को, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। फिर आप देखते थे इवन है नंबर और ऑड है, या तो ऑड नंबर होंगे मतलब या तो फाइव नंबर होंगे फाइव हुए तो यार ऑड, या फिर वो सिक्स नंबर हो सिक्स हुए तो इवन, दोनों के लिए हम अलग अलग फॉर्मूला यूज़ करते थे, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, इनका ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है ये, अनग्रुप डेटा। अब क्या टेंथ में ग्रुप डेटा आएगा, अनग्रुप डेटा में मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मॉड जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आता था रिपीट होता था वो होता था मॉड, मीडियन पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो फिर देखो वो नंबर इवन है या फिर ऑड है, ठीक, कितने नंबर हैं, वो नंबर कितने हैं, सात नंबर हैं ऑड है, टोटल आठ नंबर है इवन है, तो इवन और ऑड देखते थे फिर हम उनमें फॉर्मूला यूज़ करते थे। तो ये करते कैसे, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूँ सिंपली, एक फ्रॉम द गिवन डेटा, ये रहा आपका डेटा, देखिए कुछ इस टाइप से डेटा है, 257938 7, ये आपका डेटा है। अब मुझे इसका मीन फाइंड करना है, मीन सॉल्यूशन फ्रॉम द गिवन डेटा फाइंड मीन मॉड एंड मीडियन, ये तीनों चीज़ फाइंड कर देते हैं हम इसकी। देखिए कैसे फाइंड करते थे, सॉल्यूशन देखेंगे हम इसका। हम देखिए मीन फाइंड करने के लिए अभी हमने पढ़ा मीन क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम कर दो सभी ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। तो मैं देखो करता हूँ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 2 + 5 + 7 + 9 + 3 + 8 + 7 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 हैं ये टोटल, ठीक है। सम करते हैं 5 और 2 7 7 और 7 14 14 और 3 हो गए आपके 17 17 और 9 आपके हुए 26 26 और 8 हो गए 34 34 और 7 41 41 हो गए टोटली आपके 41 अपॉन 7। एक बार और चेक कर लेते हैं, 7 और 8 15 15 3 18 18 और 9 27 27 और 7 34 34 5 39 39 और 2 41, ठीक है 41 अपॉन 7। इसको सॉल्व करते हैं, देखो 7 5 35, ठीक, 6 रिमेनिंग 60 हो गया, और 7 8 56 है ना, 7 8 56 5.8 आ गया, क्या है आपका मीन, ठीक है। अब मॉड देखते हैं, इसका मॉड क्या होगा, मॉड होगा इसमें जो नंबर रिपीट हो रहा है, क्या नंबर रिपीट हो रहा है भाई, 7 2 बार है, बाकी सब एक एक बार है, देखो 7 2 बार है तो 7 मॉड हो गया इसका, सिंपली मॉड तो आप ऐसे लिख देंगे, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है वो मॉड है 7। अच्छा बात यह, अगर इसमें एक नंबर और 2 भी होता तो 2 बार 2 हो जाते, 2 बार 7 हो जाते, 2 टाइम 2 हो जाते, 2 बार 7, तो मॉड दोनों ही होता, 2 भी मॉड होता 7 भी मॉड होता, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार है 2 भी है 7 भी है, दोनों हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसी में मीडियन की, देखिए मीडियन के केस में क्या करते हैं, पहले तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ आपके सामने, ये रहा असेंडिंग ऑर्डर, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले 2, फिर आपका नंबर 3, देन 5, देन 7, देन 7, देन 8, देन 9, 1 2 3 4 5 6 7 सारे, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, हमने कर दिया ना, सबसे छोटा फिर छोटा बड़ा 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 होता गया चला गया, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। अब ये देखेंगे हम नंबर कैसे हैं ये, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने नंबर है 7, और 7 कैसा नंबर होता है, ऑड यार, ऑड नंबर हो गया। अब ऑड नंबर की मीडियन निकालने का फॉर्मूला, मीडियन और ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर की मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो क्या होता है, एन प्लस वन अपॉन ट्वेल्थ टर्म, ठीक है, एन कितना है, कितने नंबर है वो, एन है 7, 7 प्लस 1 8, 8 अपॉन 2 ट्वेल्थ टर्म, ठीक है, तो हो गया आपका 8 अपॉन ट्वेल्थ टर्म, और 8 अपॉन 2 क्या होता है 4, फोर्थ टर्म,
और फोर्थ टर्म देख लो क्या है इसमें, फोर इज़ नॉट अ मीडियन, फोर मीडियन नहीं है आपका, फोर्थ टर्म मीडियन है, फोर मीडियन नहीं है आपका, फोर्थ टर्म देखो, वन टू थ्री फोर, फोर्थ टर्म क्या हो गई सेवन, ही फोर्थ टर्म है ना, वन टू थ्री फोर आगे से फोर्थ टर्म सेवन, सेवन तो आपका मीडियन आ गया सेवन। ये सब कुछ हम लास्ट ईयर नाइन्थ क्लास में करते थे हम, ठीक है, तो आपका रिकॉल है, अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बाकी रिमेनिंग, ओके बाय।